हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंकज कुमार, ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सगीर अहमद का बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कहने का मतलब कि अनुपात और समानुपात को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से समानुपात और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग 95 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, कॉफी और पेन को निकाल लीजिए और आ जाइए मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन यहाँ से कह रहा था कि एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे तथा कुछ जोड़े ब्राउन मोजे ऑर्डर दिया। काले मोजे का मूल ब्राउन मोजे के मूल से मूल का दुगना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले काले और ब्राउन मोजे के जोड़ ब्राउन जोड़ी की संख्या में परस्पर अदला बदला कर दी और जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तो मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे की जोड़ी में क्या अनुपात था, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ से। अब बताइए, 96 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ से काले मोजे था, ये काले था, अब बताइए ये क्या था, ब्राउन था, ठीक है। अब बताइए, काला मोजा कितना था, 4 था, और ब्राउन मोजा कर रहा था कुछ था, इसका मतलब एक सा। यहां से अब बताइए कि क्वेश्चन कर रहा था कि काले मोजे का कीमत मूल्य ब्राउन मोजा से क्या था, इस मोजा से क्या था, ये दुगना मूल्य का था। तो ब्राउन मोजा एक मोजा का दाम मान लीजिए कि 1 रुपया, तो इसका कितना, दुगना। इसका मतलब कि इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 रुपया टोटल, और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना, 100 हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 + 1 टोटल रुपया। ये काले मोजे का कितना रुपया है, टोटल 8 रुपया, ब्राउन मोजे का कीमत टोटल 100 रुपया, तो टोटल कीमत यहाँ पे आ गया। अब चलिए, अब क्वेश्चन कर रहा था कि क्लर्क ने जब वो कर रहा था तो बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले मोजे काले और ब्राउन जोड़े की संख्या के परस्पर क्या बदल दिया। मतलब काले मोजे मतलब कि इसका ब्राउन मोजे की तुलना में क्या करें, पलट दिया, तो ये काला मोजे क्या हुआ, आज ब्राउन मोजे 4, ब्राउन की संख्या हो गया और काला की संख्या 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 हो गया और यहाँ ये उलट कर क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब बताइए कि अब 4 हो जाएगा तो रुपया तो वही है, दुगना है, तो यहाँ से 4x, यहाँ से 2 × x कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ से 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब ये कह रहा था कि जब बदल दिया गया तो ये 50% अधिक हो गया, तो जब ये बराबर 50% अधिक है तो इसको बराबर करने के लिए इधर गुना, तो ये बराबर 50% अधिक, तो 150 बने, टोटल 100% होता है जिसमें 50% वृद्धि हो जाएगा, तो ये कितना, 150%। परसेंट हटाएंगे तो इधर का चला जाएगा, 100 चला जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2, 50 से 3 और 50 से 2, यहाँ से 38 का कितना होता है, 24 और 3x इज इक्वल टू 2 × 4x प्लस 4 × 8। और बताइए कि ये जो 3x है उधर जाएगा तो क्या करेगा, कट जाएगा, तो x बचा, ये वाला 8 इधर आएगा तो माइनस कर देगा, इसका मतलब कि x बराबर कितना, 16, यही ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो पहले काला मोजा था और ब्राउन मोजा का अनुपात, तो पहले काला मोजा का, काला वाला मोजा का अनुपात कितना था, तो काला वाला मोजा पहले कितना था, 4:1 में, आज ब्राउन वाला कितना आ गया, ब्राउन वाला मोजा की संख्या x माने थे तो x की वैल्यू कितना, 16, तो आज ब्राउन मोजा की संख्या 16 हो गया। तो इसी के रेशियो पूछ रहा है, 4×4 = 16, तो कितना, 1/4। देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, 1/4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन 97 क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है।
तो यदि कुल किरायों की वसूली 11,000 रुपया की गई है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के वसूला गया किराए की रकम कितनी है। यही ना, मतलब प्रथम श्रेणी में टोटल कितना रुपया यात्री कितना रुपया वसूले गए। तो यहाँ से देख लीजिए, प्रथम श्रेणी इसका मतलब कि एस श्रेणी मान ले प्रथम श्रेणी, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट श्रेणी, आइए यहाँ से क्या थे? कौन सा श्रेणी है? सेकंड श्रेणी। अब बताइए कि यहाँ से अनुपात दिया था किसका, किराए का, किराया का अनुपात कितना था भाई? फर्स्ट श्रेणी में 4 था और सेकंड श्रेणी में 1 था। अब बताइए कि यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना था, यहाँ से 1:40। तो अब बताइए कि किराया एक आदमी पर 4 रुपया, मान लीजिए कि रेशियो में 4 है, एक आदमी का किराया इतना और टोटल यात्री कितना है 4, ये 1 है ना, तो 4 × 1 कितना है 4। अब बताइए कि द्वितीय श्रेणी में कितना किराया है, 1 है और यात्रियों की संख्या कितना है 4 है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 40, ठीक है, 1 × 40 40। अब क्वेश्चन कर रहा था कि टोटल वसूला गया, टोटल ये रुपया हो गया, टोटल रुपया। तो अब बताइए टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल रुपया प्रथम श्रेणी से और सेकंड श्रेणी से कितना रुपया उसे लग गया, तो टोटल 44 हो गया, जोड़ दिए तो यहाँ से 44 में टोटल रुपया कितना 11,000 रुपया। अब यहाँ से काट देंगे, 11 से काटेंगे घर चौक 44, ये तो बचा 1,000, इसको काट दिए तो कितना भाई 250 रुपया, मतलब कि 1 के वैल्यू 200 कितना रुपया 50 रुपया। अब क्वेश्चन कर रहा था कि प्रथम श्रेणी से कितना रुपया वसूल किए गए, तो प्रथम श्रेणी में इतना टोटल रुपया वसूल किए गए हैं अनुपात में, तो 1 के वैल्यू कितना 250, तो 4 के वैल्यू कितना 25 वाट है, 25 चौका 100, इसका मतलब कि 1,000 रुपया प्रथम श्रेणी से वसूला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पाद का मूल्य 33.1/3% कौमा दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी किए गए उत्पाद के 50% की क्या है बराबर है। तो यदि दूसरे व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहले व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है, यही ना है। चलिए यहाँ से देख लिया जाए कि पहला व्यक्ति, मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति, अरे भाई पहला व्यक्ति, तो यहाँ से पहला व्यक्ति M1 मान लेते हैं। और बताइए पहला व्यक्ति जितना उत्पाद कर रहा है उसका 33%, मतलब 33.1/3% उत्पाद कर रहा है, इक्वल टू दूसरा व्यक्ति इसका मतलब M2 उत्पाद कर रहा है और कितना प्रतिशत 50% के बराबर दोनों है उत्पाद कर रहा है। यहाँ से प्रतिशत प्रतिशत काट देंगे और यहाँ से M1 गुना कितना हो जाएगा 33 × 99 100 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू M2 गुना कितना 50, यहाँ से काटेंगे ये 2, M1 गुना कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू M2 इंटू कितना हो जाएगा भाई M2 इंटू कितना हो जाएगा ये 2 की 3 क्या है इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 की वैल्यू कौन सा हो जाएगा 3 और M2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि M1 अनुपात M2, M1 का अनुपात कितना आया 3 हुआ और M2 का अनुपात कितना हुआ 2 हुआ। क्वेश्चन कर रहा था कि दूसरे व्यक्ति ने प्रतिदिन कितना पेंच बना रहा है 1500 पेंच, तो दूसरा व्यक्ति के यहाँ पे रेशियो कितना है 2 है ना, तो 2 में कितना 1500, तो 1 में कितना हो जाएगा 750। तो क्वेश्चन कह रहा था कि पहला व्यक्ति ने प्रतिदिन कितना पेज बनाएगा, तो 1 में 750 तो 3 में कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 × 5 = 15 और 17 × 21 = 22, कितना प्रतिदिन पेज बनाएगा 2250 पेज पहला व्यक्ति बनाएगा प्रतिदिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, मतलब कि कौन सा नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं करे कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहां से देखिए बाई ऑप्शन से
अच्छा एक दर्जन पेटी में हम शीशा ले जा रहा है, मतलब कि 12 गो शीशा ले जा रहा है। अरे भाई टोटल 12 गो शीशा ले जा रहा है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर वन यहाँ से 2:1 है। कहने का मतलब पहले पेटी में फूटे शीशा और बिना फूटे, फूटे हुए शीशा कितना 2 और बिना फूटे हुए शीशा कितना, और टोटल कितना एक पेटी में है 12। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे, जब टोटल यहाँ पे रेशियो हो जाएगा तो टोटल 12 एक दर्जन लेकर चल रहे थे, तो यहाँ से 2 × 1 = 3 में कितना 12, और यहाँ से कितना 1 में कितना हो जाएगा 4। इसको गुना करेंगे तो 1 में 4 × 4 = 2 कितना 8, और 1 में 1 = 4 इसको जोड़ रहे हैं तो कितना 12 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होगा, ये सही आंसर है। कह रहा है कि जो टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ के कौन सा अनुपात नहीं है, तो ये तो अनुपात है टूटा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड लेकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड 3:1, इन्हीं को दोनों को जोड़ेंगे तो 4 में कितना 12, तो यहाँ से 1 में कितना 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो ये देखिए तो 9 × 3 = 12 आ जा रहा है। अब चलिए यहाँ से थर्ड नंबर, यहाँ से 3:2, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 3 × 2 = 5 और 5 में कितना 12, इसको काटेंगे तो कितना 12/5 आ गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 आ सकता है दो जोड़ने पर, तो 3 × 12/5 कभी आएगा, यहाँ से फिर कितना 2 × 12/5, तो यहाँ 12 × 36/5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 × 24/5। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि जोड़ने पर दोनों 12 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, तो इस ये आंसर आपका हो गया। करे कि कॉमन नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये सब तो है, ये भी आंसर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सही है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक धातु में तांबा और जिंक है 9:4 में है, 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, मतलब 24 किलोग्राम कौन सा भाई तांबा है, तो यहाँ से तांबा से तांबा कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से टोटल देखिए, यहाँ से यहाँ है तांबा, इसके बाद कौन सा है भाई जिंक है, यहाँ से जिंक है, तांबा का रेशियो कितना है 9 और जिंक का रेशियो 4 है। क्वेश्चन कह रहा था अब इसमें जिंक तांबा का वेट दिया था 24 kg, तो यहाँ से टोटल तांबा कितना था अनुपात में 9 और टोटल कितना तांबा था केजी में 24 kg, यहाँ से काटेंगे तो 3 × 9 = 3 × 8 = 24, तो 1 का वैल्यू कितना 8/3। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, तो जिंक का वैल्यू पूछ रहा है कितना जिंक, तो 1 में कितना 8/3, तो 4 में कितना हो जाएगा गुना कर देंगे 4 × 8/3, तो यहाँ से कितना 8 × 4 = 32 / 3, और इसको काटेंगे तो कितना 10 × 3 = 31 और 2 × 32 = 3 कितना प्रतिशत, कितना के जी सॉरी कितना के जी पिघलाना पड़ेगा जिंक को, कितना के जी 10 × 2/3% पिघलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5:2 कि किसी मिश्र धातु में तांबे और जिंक जस्ते का अनुपात 5:2 है, यदि इस मिश्र धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1 किलोग्राम 250 किलोग्राम 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात पूछ रहा है, मिश्रण कितना है दोनों का 17 किलो 500 ग्राम, तो देखिए दोनों का मिश्रण है तांबा और जिंक जस्ता का, यहां से 101 नंबर क्वेश्चन, तांबा है पहले, इसके बाद कौन सा भाई जिंक है, तांबा और जस्ता है, जस्ता है तो तांबा का रेशियो कितना है 5:2 है। अब क्वेश्चन कह रहा था इस मिश्रण में, इस मिश्रण टोटल ये दोनों को मिला देगा तो कितना मिश्रण पर हो रहा है दिया हुआ है तो 17 किलो 500 ग्राम, तो दोनों को मिलाएंगे तब ना मिश्रण होगा, तो यहाँ से मिश्रण कितना हो जाएगा दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7, और टोटल मिश्रण कितना था 17 किलोग्राम कितना 500 ग्राम, तो यहाँ से 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बंधु, यहाँ से 7 से काटेंगे तो कितना, चलिए 7 × 14 3 × 7 = 35 उतार देंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500,
अब यहाँ से देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 25 से 1200 कितना, 5, तो यहाँ से 125 पर डबल जीरो उतार देंगे और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 50 कितना जीरो, डबल जीरो, मतलब 5000। क्वेश्चन कह रहा था आगे कि 1 किलोग्राम 1 kg 250 ग्राम क्या जब मिला जाता है, जस्ता और मिला दिया जाता है तो जस्ता के कितना इतना, तो 1 किलोग्राम इसका मतलब कि 250 ग्राम, 12.5 किलो एक किलो 200 ग्राम मिला दिया गया, तो जीरो, ये 5, ये 2 और ये कितना, अब ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि अब रेशियो बताइए इन दोनों का, तो इन दोनों का अब रेशियो बताना है, तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 25 से काटेंगे 25 × 25 से, और 25 से काटेंगे तो 25 × 5 कितना, 25 × 25 25 × 25 = 625 और 25 × 25 = 25 से 1 0, यहाँ से काटेंगे तो 25 × 50 और 25 × 5 2:1 आ गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2:1 फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का क्या है, 1/25 भाग है, तो लड़का तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से निकाला जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि लड़कों की संख्या का मतलब कि बॉय की संख्या का 10% इक्वल टू गर्ल की संख्या का कितना, 1/4 है, ये बताइए। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से 2 × 4 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, ये जाकर 2 ऊपर क्या कर देगा, इधर गुना कर देगा, ये वाला 2 जो ये 5 भागा में उधर जाके जी के साथ के गर्ल के साथ गुना कर देगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी गुना ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा भागा है तो 2 × b × 2 मतलब कि बॉय गुना 2 और गर्ल गुना कितना, ये 5 डिवाइड कर रहा उधर जाके क्या कर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए कि बॉय की रेशियो कितना, 5 और गर्ल का रेशियो 3:2, तो अब यहाँ से बॉय अनुपात गर्ल इक्वल टू कितना, बॉय कितना है 5:2। आगे चलेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि गर्ल की संख्या का, गर्ल की संख्या का 10% इक्वल टू बॉय की संख्या के क्या है, 1/25 है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा, 25 से कटाएंगे 2500 × 100 ये 2 से 2 × 4 2 × 5 = 10, ये 2 क्या करेगा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा ना, तो गर्ल गुना 5 इजकल टू यहाँ से वाई आ गुना कितना, ये 2 भागा उधर जाकर करेगा वाई एक्शन 2 से गुना। अब बताइए वाई की संख्या कितना अनुपात और गर्ल की संख्या का अनुपात कितना, तो यहाँ से वाई अनुपात गर्ल इजकल टू वाई की रेशियो कितना है, 5:2। अब देखिए तो यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे बॉय गर्ल, बॉय है यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल है, वही तो रेशियो क्या है, बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक रेशियो को लेकर चलिए, ये निकालना मेरा जरूरत नहीं था लेकिन हम दिखा दिए। क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल बॉय और गर्ल का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से बॉय और गर्ल का, तो बॉय और गर्ल का आंसर कौन सा हो जाएगा, 5:2। देखिए तो ऑप्शन नंबर सेकंड दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा था 103 कि सोने तथा पानी, करे कि सोने तथा सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, सोने तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बने धातु पानी से 15 गुना भारी, तो देखिए मिश्रण का दे दिया है 15 जो गुना है ना मिश्रण का है, मतलब कि सोना और पानी तांबा का, तो यहाँ से सोना जो है पानी से, मतलब कि ये जो सोना है पानी से कितना गुना भारी है, 9 गुना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि तांबा जो है ना, तांबा जो है क्या कर रहा है भाई, पानी से भी ये 9 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी था और तांबा पानी से कितना गुना, 9 गुना, और दोनों का ये मिश्रण सोना और तांबा को, मतलब कि ये सोना और प्लस तांबा, तांबा का मिश्रण कितना था भाई, सोना और तांबा पानी से कितना भारी था, 15 गुना, तो देखिए तो ये तो एलिगेशन हो गया।
एलिगेशन ये बीच वाला कहता है कि किसी एक से हम छोटा होंगे या किसी एक से हम बड़ा होंगे, यही एलिगेशन का मेन रोल है। तो यहाँ से बारह में से छोटा घटा दीजिए तो यहाँ से छः रेशियो हो गया। अब यहाँ से बारह में से छोटा घटा दीजिए तो कितना होगा, चार हो। यहाँ से घटा देंगे तो ये टू, ये कितना थ्री। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि सोना और पान, सोना और तांबा का अनुपात पूछ रहा था, तो थ्री रेशियो कितना हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर।